कृषि बिल को लेकर अन्नदाता पूरी जद्दोजहद के साथ बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान नए कृषि कानून में बदलाव की मांग पर अड़े हैं और आंदोलन को तेज करने की धमकी दे रहे हैं। लगातार 9वां दिन पर आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर क्या क्या परेशानियां हो रही हैं आपको? नहीं जी, नहीं सानू कोई परेशानी नहीं हैगी। अज तक पूरे ऐन बैठा संघर्ष नाल, असी दबदे नहीं जमे ही, बिल्कुल असी प्यार नाल मना रहे मोदी नूं, जे मन जे नहीं फिर दूजे लोट असी मनाउण जाणदे आ। चार बार वार्ता होने के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला है, तो आप आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? आगे भी निकालेंगे रास्ता, हम अभी तो चले हैं, कोई बात नहीं। पहले हमको बी से रोका था, वहाँ से भी आ गए हम, जहाँ से भी जब हमारा मन करेगा तब जाएंगे। सरकार हमेशा बिल लेकर आती है, NRC या GST, नोटबंदी, हमेशा कोई ना कोई कानून लेकर आती है जो कि अगेंस्ट में भी होते कुछ लोग, और अब इस बार भी जो ये बिल लेकर आई इसका विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार हमेशा ये कहती है कि हित के लिए। इस पर क्या कहना है आपका? सर इन्हों का एक मैडम इन्हों का एक फैशन बन गया ही, इन्हें GST लिया, नोटबंदी लिया, होर भी बिल लिया, कोई इन्हों के विरुद्ध बोलिया नहीं। इन्हों लगता ही भी आप नहीं, नहीं विरोध हुए हैं लेकिन सरकार सुनती नहीं है, तो इस पर क्या कहना है आपका? इतना वड्डा विरोध कितने भी नहीं होया, जिन्ना वड्डा ये विरोध होया इन्ना अगे की करते ही कि पार्टियां विरोध कर दिया ही। हूँ जो विरोध है ना मैडम, इन समझो उदो पार्टियां विरोध कर दिया ही, ये लोगों का विरोध आ, आप मारे लोग उठे आ। पंजाब का किसान अगे लगा वा, वो क्रांतिकारी ही अगे लगा वा, उहदे नाल हरियाणे दे दिता, हुण पूरे पंजाबी हुण दुकानदार मुलाजम ते ऑल इंडिया लैवल ते अगे उड़ीसा तो अग्गियां नूं मिले, वो कहिंदे असीं 40 बंदे लै के आए हाँ, तुहानूं पता उड़ीसा किन्नी दूर आ, ट्रेन चलदी नहीं, फिर भी आए आ। ते दूसरी आउण दी गल नहीं आ, जिहड़े घरां दे विच वी किसान आ वह भी हुण उहनां दा वी जिहड़ा दर्द आ ना, उहनां उह साडे नाल जुड़ गए आ। ये पहली बारी इनू कोई ये लोक लहर बनी आ, ये ईवन के जयप्रकाश नारायण दे एमरजेंसी दे विरोध तो बाद लहर तो बाद पहली जन लहर आ, ते मोदी नू झुकना पएगा। मैडम तुसीं वेख लिओ ये सरकारां दा एक तरीका हुंदा वा कि लोग जिहड़े संघर्ष करदे उहनां नू अकाउणा थकाउणा, उहनां नू लगदा कि ना अक जाणा थक जाणा, ठंड आ किन्ने क दिन रहणगे, पर उहनू ये नहीं पता भी ये मिट्टी कड़ी दे बने लोग, अहीं पिछे नहीं हटणा, उहनू झुकना पएगा। किसान अपनी बात को नाच गाकर सबके सामने रख रहे हैं, अपने हक और अधिकार को गा गा कर बता रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर लंगर से लेकर मेडिकल तक की सारी सुविधा मौजूद है, साथ ही जरूरत की सारी छोटी बड़ी चीजें बॉर्डर पर मौजूद है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लखवीर सिंह मेरा नाम है जी। आपने मतलब आपकी एक सोसाइटी है जो किसानों की मदद कर रही है, इस बारे में बताइए। जी जी जी, असी किसानों के इस संघर्ष के साथ देने वास्ते आए हैं। मिडलैंड लंगर सेवा सोसायटी यूके दीआं संगतां अते साडे नाल बाबा लखा सिंह जी नानकसर जगराओं कलेरां वाले अते भाई हरविंदर सिंह जी पठानकोट वाले फगवाड़े शहर दीआं संगतां, उन्हां सारिया संगतां सहयोग सदका, विदेशों दीआं संगतां सहयोग सदका, किसान भरावां लई संगतां लई असी बिस्कुट, रस, कोलगेट, साबण, सर्फ, दवाइयां आदि असी उन्हां वास्ते लै के आए हैं। जिन्ना चिर उन्हां दा संघर्ष जारी रहेगा उन्ना चिर साडे वल्लों लंगर निरंतर चलता रहेगा। प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांगों को लेकर थोड़ा भी झुकने को लेकर तैयार नहीं है। वहीं केंद्र सरकार कह रही है कि नए कृषि कानून किसान के हित में हैं। पहली मांग तो यह है कि जो काले कानून रद्द होने चाहिए, क्योंकि मेरी खुद की ज़मीन है गुजरात में कच्छ भुज में, तो वहां पर जैसे अभी गेहूँ का रेट था पिछले साल में 1300 में गेहूँ बेची, तो यहाँ पर रेट है 1,125 रुपये क्विंटल, ठीक है। यहाँ में बिजली फ्री है और डीजल भी वहाँ से सस्ता है, गुजरात में डीजल भी यहाँ से बहुत महंगा है और मोटरों के जो ट्यूबवेल के बिजली के बिल कनेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और फसल आधे रेट में बिकती है, तो हमको गुजरात की खेती ने बिल्कुल कंगाल कर दिया, और मैंने 2 साल से तो बिल्कुल खेती नहीं की, खाली ज़मीन पड़ी है और बिल्कुल बर्बाद हो गए हम। तो अगर गुजरात में मोदी जी नहीं कर पाए
तो यहाँ तो ये बिल्कुल बर्बाद कर देंगे मंडी सिस्टम को हटाकर, क्योंकि वहाँ मंडी सिस्टम कच्छ भुज में गेहूँ वगैरह खरीदने का नहीं है और आधे रेट पे फसल बिकती है। और विडंबना तो ये है कि जब गरीब आदमी वही फसल लेने के लिए दुकान पे जाता है तो वो यहाँ से भी ज़्यादा महंगी मिलती है। वहीं किसानों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। साथियों, जैसा कि हमारे आज के अध्यक्ष जी ने बताया, आज दो मीटिंग हुई। सुबह पंजाब के तमाम जो 30 संगठन हैं उनकी बैठक हुई, उसके बाद देश भर से दूसरे जो किसान संगठन आए हुए हैं सबकी बैठक हुई, और इन दोनों बैठकों में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि कल का जो पहले से प्रस्तावित है मोदी सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम पूरे देश में किया जाएगा, और जो नया कार्यक्रम लिया गया है वो ये है कि 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। अध्यक्ष जी ने एक दूसरा प्रोग्राम भी बताया, मगर उसके लिए फाइनली तय हुआ था कि उसकी डेट डिफरेंट होगी। हमने ये भी सोचा है कि 8 तारीख के बाद एक दिन ऐसा रखा जाएगा जिस दिन पूरे देश के तमाम नाकों को टोल फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन वो तारीख 8 नहीं होगी। फाइनली फैसला हुआ है कि उसके बाद एक डेट अनाउंस होगी, कल तक हम आपको डेट बता देंगे। जैसा कि साथियों ने बताया, इस पे पूरी सर्वसम्मति है कि किसी तरह के कोई संशोधन का मामला नहीं है। हम तो बिल्कुल खारिज करवाना चाहते हैं 3 कानूनों को, और MSP हमारी बुनियादी डिमांड में से एक है, जैसा आपने स्पष्ट किया। मैं सिर्फ 1-2 सूचना और दे दूं आपको। जैसा हमारे युवा साथी ने बताया, अब ये जन आंदोलन बन गया है, अब ये सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं है। आज देश की ट्रेड यूनियंस की जो सबसे बड़ी फेडरेशंस हैं, उन 10 फेडरेशन ने आके, 10 ट्रेड यूनियन नहीं, ट्रेड यूनियन की जो फेडरेशंस हैं, एक एक फेडरेशन में सैकड़ों ट्रेड यूनियन है, उन 10 ट्रेड यूनियन फेडरेशंस ने आके अपना सपोर्ट यहाँ पे हमें जाहिर किया है किसानों को। इसमें एटक, इंटक, C2, UTUC, UTUCI, HMS और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। ये हर बहुत बड़ी बड़ी फेडरेशंस हैं, 10 फेडरेशन ने हमें सपोर्ट जाहिर किया है। वीरो, अज दा ए इकट्ठ समुचिया ही निहंग सिंह जथेबंदियां निहंग सिंह दल पंथ एक आप जी सारे वीरां नूं एक गल स्पष्ट कर दईए, बनिया कोई फिरे जिन्हां नूं महाराज जी ने नगारे दिए, निशान साहिब दिए, जिनको गुरु साहिब जी ने बाणा दिया, साजो समान दिया, और जिन्होंने 19 बारी दिल्ली को फतेह किया, शासन किया, हम उनके वारस हैं। वो निहंग सिंह थे, वो बाबा जस्सा सिंह जी आलूवालिया साहिब बुढ़े दल के चौथे जथेदार थे, बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया, बाबा जी बघेल सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी जो हमारे आज जथेदार हैं दलपन संप्रदाय बहादुर बाबा विधि चंद साहिब के, और उनके सपुत्र, बड़े सपुत्र, क्योंकि बहुत बड़े काज उधर भी कर रहे हैं और उनका ध्यान इधर ही रहता है। बाबा प्रेम सिंह साहिब जी पहले दिन से समुचिया निहंग सिंह दलां पंथां वालों ड्यूटी दे रहे हैं, और साध संगत जी मेरे वीरो, ये जो संघर्ष है साडा किसी नाल कोई वैर नहीं, सब साडे ने, कोई गैर नहीं, साडा हिंदू नाल कोई वैर नहीं, ये तो साडे ने, कोई गैर नहीं, साडी किसे धर्म नाल लगदी नहीं। औखियां सरकारां तों जालम सरकारां, जुल्म की हुंदा, ये जुल्म नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को इधर ऐसी सर्दी में मारा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को जिनकी उम्र है रजाई में बैठने की उनको पीटा जा रहा है, हमारे भाई नौजवान उनकी उंगलियां तोड़ दी गई, उनको ऐसा पीटा उनके मोढ़े टूट गए, और दवाई बहुत कुछ आपने देखा, आपने दिखाया, जिन्होंने दिखाया भाई धन्यवाद तुम्हारा, तुहाडा सारिआं दा धन्यवाद। और अज ये सच्चाई जे हमेशा ही मारे दा पंथ अगवाई करता रहा, अज श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवां तख्त बाबा जी बाबा बलबीर सिंह जी 96 करोड़ी जी उन्हें फतेह सुल्तानपुर साहब उत्थे भी बयान दिते, नाल ही बाबा अवतार सिंह जी सन, नाल ही साढ़े जथेदार तरना दल के बाबा बकाला साहब तो बाबा गज्जन सिंह जी सन, बाबा निहाल सिंह जी, बाबा शिंदा सिंह जी, हमारे 1-2-3-4 दल पंथ नहीं, हज़ारों निहंग सिंह हैं। पर क्योंकि जब देखते हैं पिछला इतिहास, लीडरों ने क्या किया, वो गद्दारी करते रहे,
और हमारी सरदारी कायम रखने के लिए ये गांव-गांव में जाकर उनको उपदेश देते रहे। आज इतने बड़े पत्थर पे ये जो संघर्ष है, ये किसान जथेबंदियां, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।